बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से मैं हूँ प्रोफेसर अदौल्ला। क्या उर्दू अदब से मुतल्लिक एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौजू पर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी डिस्प्यूट या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है, इससे क्या मुराद है और ये तनाज़ा कहाँ शुरू हुआ और कौन कौन से वाक़यात हुए और इस तनाज़े की अहमियत क्या है। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है ये उर्दू अदब का एक अहम मौजू है, तारीख़ अदब उर्दू का एक अहम बाब है। जब हम उर्दू अदब की तारीख, उर्दू ज़बान की तारीख पढ़ते हैं तो उसमें उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो उसका एक अहम चैप्टर है, एक अहम बाब है। तो उस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है असल में है क्या। उर्दू हिंदी तनाज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सन 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़े का आगाज़ बुनियादी तौर पर बनारस के शहर से हुआ था। बनारस के शहर में कुछ इंतहा पसंद लोगों ने उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की और उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू किए, एहतजाज शुरू किया और हुकूमत बरतानिया को, अंग्रेज़ों की हुकूमत को यादाश्तें और दरख्वास्तें पेश की कि उर्दू को सरकारी इदारों में से और अदालतों में से और तालीमी इदारों में से निकाला जाए और हिंदी को उसकी जगह राइज किया जाए। तो ये एक मुतालबा था कि जो बुनियादी तौर पे बनारस से उठा और कुछ इंतहा पसंद लोगों ने ये मुतालबा किया कि उर्दू ज़बान जो है इसे खारिज किया जाए और इसकी जगह हिंदी को राइज किया जाए। यहाँ जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उर्दू और हिंदी जो है ये कोई ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बान एक दूसरे से नहीं है, ये तकरीबन मिलती जुलती ज़बानें हैं। बोलचाल की हद तक अगर देखा जाए तो उर्दू में और हिंदी में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है वो नहीं है। जहाँ चूँकि उर्दू जो है ये भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही पैदा हुई है, यहीं पर इसे जन्म लिया है और जब मुसलमान हिंदुस्तान में आते हैं और वो अपने साथ अरबी और फारसी और तुर्की और पश्तो और मुख्तलिफ ज़बानें लेकर आते हैं तो मुसलमान फतेहीन के दौर में, सलातीन के दौर में जब मुसलमानों का इख्तलात होता है मकामी लोगों के साथ, हिंदुस्तान के मकामी लोगों के साथ, तो ये ज़बानें जब मुसलमानों की ज़बानें जो हैं अरबी, फारसी, तुर्की वगैरह, ये ज़बानें जब हिंदुस्तान की ज़बानों के साथ इख्तलात करती हैं, उनका मेलजोल होता है तो उसके नतीजे में एक नई ज़बान वजूद में आ जाती है जिसे शुरू में हिंदी कहा जाता है या हिंदवी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम, या दहलवी कहा जाता है और उसके बाद आखिर उर्दू मुअल्ला, उर्दू उसका नाम बन जाता है। तो ये उर्दू जो है ये हिंदुस्तान ही की ज़बान है और ये किसी मज़हब की या किसी कम्युनिटी की, किसी तबके की ज़बान नहीं थी बल्कि ये रबते की ज़बान थी और हिंदुस्तान में ही मुसलमानों के ज़रिए जो ज़बानें हिंदुस्तान में आईं उन ज़बानों और हिंदुस्तान की मकामी ज़बानों के इख़्तलात के नतीजे में और बेलजुल के नतीजे में ये ज़बान बनी थी। लेकिन बाद में कुछ इस किस्म के ख्याल बाद लोगों ने पेश करने शुरू कर दिए कि यह ज़बान जो है चूँकि अरबी फारसी रस्म खत में लिखी जाती है लिहाजा की मुसलमानों की ज़बान है और इसे हिंदुस्तान के इदारों में नहीं होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान जो हैं वो आपस में इकट्ठे रहते थे और उनके दरमियान एक इतफाक़ और इतिहाद की फ़ता थी मजबूत तौर पर, लेकिन कुछ इंतहा पसंद लोगों ने ये मसला उठाया और उर्दू के ख़िलाफ़ जो है ये तहरीक शुरू की और बनारस से इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद ये मसला हिंदुस्तान के दीगर शहरों और दीगर रस्तों तक फैल गया और तकरीबन 40 साल तक ये एक बहुत बड़ा मसला रहा और इस नाम पर, यानी उर्दू और हिंदी के नाम पर, बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हुई, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई और बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए। तो ये मसला जो है ये बनारस से शुरू हुआ था। उसके बाद बनारस से निकलकर ये यूपी और पंजाब और मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ रियासतों में और मुख्तलिफ स्टेट्स में फैला और वहाँ पर भी उर्दू के ख़िलाफ़ एहतजाज होने लगे और उर्दू के ख़िलाफ़ यादाश्तें हुकूमत वक्त को पेश की जाने लगी। सन 1898 में एंटोनी मैकडोनल, जो कि यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हें एक अरदाश पेश की गई और उसमें यही मुतालबा किया गया और ये अरदाश जो है कि 18 अप्रैल 1900 को मंजूर हुई कि मुतालबा जो है उर्दू को निकालने का, उर्दू की जगह हिंदी राइज करने का, ये मुतालबा पंजाब की हुकूमत ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडोनल ने ये मुतालबा मंजूर कर लिया। तो इस मुतालबे की मंजूरी से उर्दू बोलने वाली जो कम्युनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा
परेशानी फैल गई और बहुत ज़्यादा बेचैनी फैल गई। तो इस परेशानी और बेचैनी का धारा सर हुआ कि नवाब मोहसिनुल मुल्क ने 3 मई 1900 को टाउन हॉल अलीगढ़ में एक जलसा मुनक़द किया, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उर्दू बोलने वाले मंदूबीन ने शिरकत की। सियासी समाजी रहनुमाओं ने और उर्दू के अदीबों ने और शायरों ने और मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उसमें शिरकत की और उर्दू के हक़ में तकरीर की गई और करारदादें पेश की गईं और हुकूमत बरतानिया को वो करारदादें भेजी गईं। और इसी जलसे में उर्दू डिफेंस कौंसिल के नाम से एक तंजीम बनाई गई उर्दू के दिफा के लिए, और इस तंजीम का मकसद ये था कि उर्दू का दिफा किया जाएगा, उर्दू के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी या उर्दू के खिलाफ हुकूमत वक्त अगर कोई इकदाम उठाएगी तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। तो उर्दू डिफेंस कौंसिल का क्याम इसी जलसे में होता है। उसके बाद 17 और 18 अगस्त को सन 1900 में ही लखनऊ में उर्दू डिफेंस कौंसिल का जलसा होता है नवाब मोहसिनुल मुल्क की सदारत में, और उसमें पंजाब से सर अब्दुल कादिर, गुलाम भीख निरंग और मिर्ज़ा एजाज हुसैन भी शिरकत करते हैं, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से उर्दू से मोहब्बत करने वाले और उर्दू बोलने वाले लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं और हुकूमत के सामने बड़े भरपूर अंदाज में ये मुतालबा रखते हैं कि उर्दू का तहफ़ किया जाए, उर्दू को उसका हक़ दिया जाए, उर्दू के खिलाफ किसी भी किस्म के इकदाम उठाने से गुरेज किया जाए। तो ये इस तरह हिंदुस्तान का एक सियासी मसला ये बन गया था, एक लिसानी मसला था लेकिन लिसानी मसला जो था वो सियासी मसला बन गया था। मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू के मुखालिफीन ने मुख्तलिफ अंजुमनें बनाई, सभाएँ बनाई, तंजीमें बनाईं और उर्दू के खिलाफ उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, उर्दू के खिलाफ काम करना शुरू किया। हिंदी प्रचारिणी सभा के सेक्रेटरी बाबू सरोदा प्रख्यात थे, उनके दरमियान और सईद अहमद खान के दरमियान इस मसले पर बड़ी सख्त किस्म की खतों किताबत हुई। सरोदा प्रख्यात हिंदी प्रचारिणी सभा के सेक्रेटरी थे, यानी हिंदी के फरोग और हिंदी की अशात के लिए जो तंजीम थी हिंदी प्रचारिणी सभा, उसके ये सेक्रेटरी थे। तो उनके और सईद अहमद खान के दरमियान बहुत ज़्यादा खतों की दावत हुई और बहुत ज़्यादा बहस हुई। और यहाँ पर एक बात जो शुरू में कदम में भूल गया था वो ये कि सन 1867 में बनारस में जब ये मसला उठा तो सईद अहमद खान मुलाजमत के सिलसिले में बनारस ही में मुकीम थे, तो उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि इससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में अब हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। तो कहा यह जाता है कि यहीं से मुतासर होकर सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तानियों के तमाम हिंदुस्तानियों के लिए जो काम वो कर रहे थे तो ज़्यादा फोकस उन्होंने मुसलमानों के लिए काम करने पर किया उसके बाद। तो इस तरह ये मुख्तलिफ वाक़यात रुनुमा होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर तंजीमें बनती हैं, एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं उर्दू के खिलाफ हिंदी को राइज करने का मुतालबा लेकर। और इसमें एक तरफ तो हिंदू लीडर हैं और सियासी और समाजी तंजीमें हैं और मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें हैं और ऐसी तंजीमें जो खास इसी मकसद के लिए बनाई गई थी, तो इस तरह और मुख्तलिफ ड्रामे भी उस दौर में लिखे गए। सत्या देव नाटक है और दूसरे ड्रामे हैं उर्दू का मजाक उड़ाने के लिए, जिनमें उर्दू का मजाक उड़ाया गया था, उर्दू बोलने वालों का मजाक उड़ाया गया था। तो इस तरह एक बहुत ही इंतहा पसंदाना किस्म का रवैया इख्तियार किया गया उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़, उस ज़बान के ख़िलाफ़ कि जो पूरे हिंदुस्तान की रबते की ज़बान थी, लिंगुआ फ्रैंका थी और जो मुसलमानों के दौर में ज़रूर बनी थी और मुसलमानों के आमद के नतीजे में ज़रूर बनी थी, लेकिन जिस पर मजहब का जिसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो हिंदू भी बोलते थे मुसलमान भी बोलते थे, लेकिन एक तबका ऐसा पैदा हो गया कि जिसने उर्दू की मुखालिफत शुरू कर दी और इस तरह की मसला जो है, और उस दौर में जो उर्दू के रिसाले निकल रहे थे उन रिसालों में भी इस मसले पर मदबी छाए होते रहे, हिंदी के रिसालों में हिंदी के हक़ में उर्दू के खिलाफ मदबी छाए होते रहे, ड्रामे भी बनते रहे, एहतजाज भी होते रहे, आला हुकाम को बरतानिया की हुकूमत को खतूत भी लिखे जाते रहे, और फिर कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उन्होंने भी अवामी मजाज को अपने उसका वो करते हुए आवाम को अपने साथ मिलाने के लिए कि जहाँ जहाँ हिंदू अक्सरियत थी और हिंदी मुखालिफीन की अक्सरियत थी तो वहाँ पर
उन्होंने भी इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा मसला था हिंदुस्तान की सियासी तारीख का और उर्दू की तारीख का। जहाँ बाद लोगों ने इतदाल का मुजाहरा किया, वहाँ बाद लोगों ने जल्दी पर तेल डालने वाला काम किया और बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के बयान दिए, और ये मसला जो था ये फैलता गया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुँचा। और जो मौक़िफ था उर्दू के मुखालिफीन का वो ये था कि वो कहते थे कि वो हिंदी के जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसे राइज किया जाए और उर्दू को सरकारी इदारों में से और अदालतों में से और तलीमी इदारों में से निकाला जाए, रबते की जबान और सरकारी जबान और ख़तों की दबत की जबान जो है वो सिर्फ हिंदी हो, उर्दू ना हो। तो ये थोड़े से कुछ वाक़यात थे। इसमें नवाब मोहसिनुल मुल्क ने और डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने और मुख्तलिफ लोगों ने उर्दू के दिफा के लिए काम किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी उर्दू के दिफा के लिए काम किया। दूसरी तरफ हिंदू रहनुमा थे कुछ जिन्होंने उर्दू की मुखालफत और हिंदी की तरवीज के लिए काम किया, और उलमा थे, शुरा थे, अदीब थे जो उर्दू बोलने वाले, उन्होंने उर्दू के हक में आवाज़ उठाई। मुस्लिम लीग के जितने भी जलसे हुए इस दौर में, तो उन जलसों में जहाँ आज़ादी के लिए या मुल्क की तकसीम के लिए कर्ज़दादें पेश की गई, वहाँ उर्दू के हक में भी कर्ज़दादें मुस्लिम लीग के हर इजलास में पेश होती रही। और मुस्लिम लीग का जो मंसूर है उसमें उर्दू का तहफ़ जो है वो बाकायदा एक उसकी शेख जो है वो शामिल है। इसी तरह कायदे आज़म के जो 14 नुकात हैं उनमें भी एक नुकता उर्दू की तरवीज, उर्दू की अशात, उर्दू के तहफ़ से मुतालिक है। तो इस तरह मुस्लिम लीग ने उर्दू के तहफ़ के लिए और उर्दू के हक में काम किया और उर्दू हिंदी तनाज में अहम किरदार अदा किया, और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी, और उर्दू बोलने वाले जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे तो वो उर्दू के दिफा में डटे रहे और उन्होंने इंतहा पसंदी का और तासुब का मुकाबला किया। अल्लाह हाफ़िज़।